नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को झटका दिया है इस वक्त लालू प्रसाद यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर के। साथ ही साथ बिहार में इस वक्त जो है रवाना हो चुके हैं मोदी और शाह। बड़ी खबर यह कि नीतीश फिर से इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं। लेकिन पूरी जानकारी विस्तार से बताने से पहले इस वीडियो पर खुशखबरी बताने जा रहे हैं तो लाइक एम रखते हैं। मात्र 30,000 उम्मीद है आप सभी दबा करके पूरा कर देंगे। नीतीश कुमार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि तेजस्वी के सामने नीतीश का जलवा फीका पड़ा। तेजस्वी ने जी हां जन विश्वास यात्रा के माध्यम से नीतीश को भी डरा दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह लोग जो है क्रांति लाना चाहते हैं। तेजस्वी को उन्होंने कहा यह लोग जो है क्रांति लाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस नीतीश कुमार ने पिछले जी हां 10 दिन पहले इंडिया अलायंस को छोड़कर गए, उन्हें डर सता रहा है कि नीतीश के लोकप्रियता के पीछे उनकी कोई जिया लोकप्रियता छिप ना जाए। बड़ी खबर यह है कि बिहार में सरकार बनने के बाद फ्री बिजली बिल माफ करने की सबसे बड़े अनाउंसमेंट में तेजस्वी आगे निकल गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी डराने वाली खबर यह है बिहार में कि किसी भी वक्त जीतन रामाजी तेजस्वी से प्रेरणा लेते हुए, तेजस्वी को अपना आइकन मानते हुए वह तेजस्वी के समर्थन में जा सकते हैं और बिहार की सरकार गिर सकती है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के नवजीवक युवा जो वोटर लिस्ट में इस बार शुमार हुआ है वो सड़कों पर तेजस्वी के लिए वोट मांगता दिखाई दे रहा है क्योंकि तेजस्वी ने रोजगार दिया है। शायद इसीलिए क्योंकि तेजस्वी ने बिहार में बाढ़ के हालातों को दूर करने और देश में अपने मजबूत इरादों की बातों को कहने के लिए जाना गया है। ये बात साफ है कि देश के अंदर तमाम प्रकार की विधि व्यवस्थाएं चल रही है लेकिन वहीं आतंक को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में खुद को दम दिखाने की बातों को कहा है। लेकिन पूरी जानकारी वीडियो में है तो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अंत तक आपको यह भी बताएंगे पिछले 10 वर्षों में महंगाई की मार से घर में पड़ी गृहणियां भी किस तरीके से देश की सरकार को कोसती नजर आई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार के तमाम काले चिट्ठे को खोलने वाले जी हां इस वक्त कन्हैया कुमार ने देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है। क्या आपको पता है कि नल जल योजना बिहार में जब से लागू की गई है तब से लेकर के आज तक नल जल योजनाओं में घोटालों के लगे आ रहे आरोपों पर आज सवाल उठता नजर आया। लेकिन इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे कि देश में महंगाई के दौर में क्या है नई अपील और देश में कैसे बढ़ रही है डीजल और पेट्रोल की कीमत। मुख्य तौर पर आज की बड़ी खबरों में विस्तार से बताएंगे कि देश में प्रधानमंत्री आवास का पैसा आपके भी खातों में भेजने के लिए सरकार ने नया प्लान सेट क्या किया है, किस तरीके से पैसे देने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सभी खबरों में यह सोलर पावर पैनल को लेकर के यानी देश में अब जो है घर घर फ्री बिजली बिल करने के लिए सोलर पावर पैनल प्लांट लगाने की बात घर घर की जा रही है। मुख्य तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देश के राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से दी गई खुशखबरी है। लेकिन इस खुशखबरी को जानने से पहले जान लीजिए कि आज गेहूं चावल की कीमत पर असर क्या पड़ा और देश की इस महंगाई का असर किस तरीके से सत्ता में जाकर के सरकारों से सवाल पूछता नजर आया। यह सवाल आज आपके लिए भी बेहद बड़ा जरूरी है समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक होता है तो सरकारें डंटा बरसाती है युवकों पर या छात्रों पर। क्या ये डंटा का असर देश की सरकारों पर नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता भी डरे सहमे हैं कि कोई आरोप लगाकर जेल के भीतर हमें भी ना डाल दिया जाए। पर चंपई सोरेन के साथ ही साथ पुराने कई वर्ष में जी राजनीतिक दलों ने जो अपने दम पर साम्राज्य खड़ा किया वो साम्राज्य जब खतरे में आया तो सुप्रीम कोर्ट गए उद्धव ठाकरे। लेकिन उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि अपने साम्राज्य को खड़ा करने वाले ऐसे कई नेता जो बीजेपी पर आरोप लगाए लेकिन आज शायद बीजेपी के बाहों में सिमटना चाहते हैं, जैसे बिहार के मुकेश सहनी। क्या वो बिहार के बीजेपी में जाना चाहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया वही अपने हाथों से डूबते नजर आए, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती। अकेले इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उन्होंने बड़ा पैमाना तैयार कर लिया। लेकिन बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान ने जी हां कई भ्रष्टाचार के पूंछ खोले और बिहार में नई सरकार के आगमन की स्थितियों को भी उत्पन्न कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको जानकारी है कि देश में
किसानों ने एक आंदोलन के तहत जंग छेड़ रखा है कि एमएसपी पर फिक्स कानून की मांग उनकी पूरी हो, लेकिन सरकारें इस बात को सुनने पर भी इनकार कर गई है। नीतीश कुमार की सरकार ने 2024 में खुद की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, पर तेजस्वी ने खुद की मजबूती नहीं बिहार की मजबूती को तोड़ अपने नाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बिहार के सिवान से जीना साहब को आरजेडी ने अलग करने के साथ बिहार के सभी बाहुबलियों को अपने सिरे से इनकार कर दिया, यानी दबाव में नहीं रहना चाहती आरजेडी के तमाम बड़े नेता। पवन सिंह को जिया टिकट दिया गया बंगाल से, तो बंगाल से टिकट को इनकार करते नजर आए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, और उन्होंने क्या कहा आइए देखेंगे। लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि एकनाथ सिंधिया ने उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में भी वंडर ला सकते हैं, क्योंकि दूत एक तरफ जहां बीजेपी उन्हें कमान दे चुकी है, लेकिन बात वहीं तक नहीं थमी। रामदेव ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले लोग आज तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के एक बातों को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इन सभी खबरों में मुख्य तौर पर बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आपसे इन बड़ी बातों को बताने से पहले रिक्वेस्ट अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो पर लाइक जरूर दबा दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मोटिवेशन भरा तो होता ही है, लेकिन उतना ही सपोर्टिव और समर्थन वाला होता है, क्योंकि हम आपके लिए एनर्जेटिक रहते हैं। आपके लिए खबरों को ढूंढ कर लाना और उसे प्रस्तुत करना हमारा दिन भर का एक मकसद रहता है, जो शाम तक पूरा करने में आपका सहयोग मिलता है। नीतीश कुमार ने इसी सहयोग की तो बातें की थी, लेकिन आज ये सहयोग असमर्थता में तब्दील हो गई, क्योंकि सहयोग ने जनता ने नहीं किया, सहयोग कर जनता ने उन्हें अब सीएम की कुर्सी से उतारने का निर्णय ले लिया। क्योंकि नीतीश कुमार को पिछले कई वर्षों से इधर उधर पलटी मारने में दिक्कत परेशानी हो रही थी, शायद इसीलिए तेजस्वी की बाहों को मजबूत कर लोकसभा के चुनाव में बड़े जीत के अंदेशा और संदेश भी भेज दिए। बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर जी हाँ कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने जलवे को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनावों के दौरान चिराग पासवान ने देश की मजबूती के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि समझा जाए, पिछले कई वर्षों से देश की सरकार जो है वो खोखली की थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हाथों में जो सरकार चल रही है, सरकार की मजबूती की वजह से आज सब कुछ सही सलामत और बेहतर ढंग से चलता नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना देश की ऐतिहासिक और मजबूत कोशिशों को बताता है, लेकिन 400 पार के नारे को दे करके नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया कि अब कोई भी सामने कितना भी बड़ा पहाड़ लेकर खड़ा क्यों ना हो, उस पहाड़ को खत्म करने के लिए हमारा निर्णय, हमारी महत्वपूर्ण बातें और राजनीतिक के तमाम अनेक सहयोग और समर्थन देश की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से जी हाँ आपके दर एकनाथ सिंधिया और जी हाँ अलग अलग बड़े नेताओं को बीजेपी में जोड़ा गया, तो सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ और अलग अलग नेताओं से खुद की प्रेरणा लेते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब आगे की बेहतरीन कोशिश वह करेंगे, और बिहार में उनके जलवे को मजबूती से देखा जा रहा है। क्या बीजेपी भी सम्राट चौधरी पर आने वाले वक्त में यह कहीं ना कहीं अपना दाव रख सकती है? सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ने संपूर्ण शराबबंदी पर घिर गए हैं। नीतीश कुमार को संपूर्ण शराबबंदी पर जवाब देना पड़ रहा है। अब शायद जवाब उनके पास होगा भी नहीं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से इस सरकार ने शराबबंदी कानून को मुख्य तौर पर झटका पर झटका देने का कार्य किया है। लेकिन सवाल वही है कि शराबबंदी सुचारू ढंग से लागू क्यों नहीं की गई? आज तक ये शराबबंदी कानून जब सुचारू ढंग से लागू नहीं हो पाई, तो इसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि सरकार को, देश को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो सके, कोई परेशानी ना हुआ। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि एक बार फिर से जी हाँ कहीं ना कहीं मायावती ने 2024 के बड़े निर्णय को ले लिया है, और ऐसे में 2024 के बड़े निर्णय के साथ साथ वह अपनी महत्वपूर्ण कोशिश करती नजर आ रही है। उनका एक प्रयास है देश को, संविधान को बचाए रखने के लिए खुद को झोंक देना, शायद इसीलिए वह अकेले चुनाव लड़ करके इस बारे में बताने का प्रयास भी कर रही है। उनका संदेश और देश की जनता के समक्ष जाकर क्या नया उद्देश्य देगा, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ इसी समय जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर।
सबसे बड़ी खबर तो यह है कि लगातार मुकेश सैनी ने लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के दामन को थामने का कई ना कई निर्णय दिखाई दी, लेकिन इसी के साथ उनके तमाम बड़े निर्णय फेल होते भी नजर आए। अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में देश की संविधान के लिए वह लगातार प्रयास करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ कई और भी बातें हैं, कई और भी संदेश हैं जो आगमन को बेहतरीन चीज़ों को मजबूत करता नजर आएगा, देश की व्यवस्थाओं को भी बहुत ज़्यादा मजबूत। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जीतन रामाजी ने लोकसभा चुनावों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मजबूती की बातों को रखा है। जीतन रामाजी ने बताया कि देश को आज संविधान को इस बारे में ज़रूरी है कि वो समझा जाए, देश को आज समझने की ज़रूरत है। जीतन रामाजी ने पुराने पिछले बीजेपी के बारे में भी कई बड़े रिकॉर्ड को बताया, कई बड़े महत्वपूर्ण बातों को बताया और जीतन रामाजी ने कहा बदला पूरा हुआ, अब आगे की चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। सर, जीतन रामाजी कुछ और भी बताना चाहते हैं, समय के साथ धीरे धीरे आपके सामने वो भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अपनी विचार, अपनी तमाम चीज़ें कमेंट में रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कॉमेंट, एक एक चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ऐसे में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।